हाय नमस्कार, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और घर पे होंगे और सेफ होंगे, करेक्ट। तो अभी मैं बेसिकली ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, दिस इज वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम वन ऑफ माय यूज सब्सक्राइबर। उन्होंने मुझे 2-3 बार इंस्टा पे पिंग किया था कि आप प्लीज आप इसके बारे में वीडियो बनाइए। देखो, बेसिकली मैं जिस ब्रांड की बात कर रही हूँ, दैट इज बेनिफिट कॉस्मेटिक। द वन ऑफ द मोस्ट यू नो टॉक्ड अबाउट थिंग ऑफ देयर ब्रांड इज बेसिकली देयर लिप एंड चीक टिंट। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स मेक वीडियो ऑन दिस। तो उसके लिए मैंने यू नो नायका खोला, एंड नायका में एज इट इज द लिप टिंट एंड मैंने इसके 4 वेरियंट्स है बेसिकली, ठीक है। द गोगो टिंट, द चाचा टिंट, एंड वन इज लव टिंट, एंड द वन इज बेनिफिट का जो ओरिजिनली उन्होंने लॉन्च किया था वो। तो दो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने परचेज किए हैं, विच आर दिस वन, ओके, द गोगो टिंट एंड द लव टिंट, ये दोनों ही नायका में बहुत लंबे टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है। इसी वजह से मुझे इस वीडियो को बनाने में ना काफी लेट लग गया, क्योंकि क्या था कि वो कभी स्टॉक में आते ही नहीं थे वो दोनों। तो और इसके अलावा जो उसका बेनिफिट जो ओरिजिनल वेरिएंट है वो मैंने बहुत स्टार्टिंग में यूज किया था, एंड उसका लास्टिंग बहुत ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा था। तो आई डोंट यू नो, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करूं, क्योंकि मैं बेसिकली अभी बहुत सारे मेरे पास प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मैं परचेज कर चुकी हूं जो कि अच्छे नहीं थे, तो मैंने उनका रिव्यू नहीं किया क्योंकि यार अननेसेसरी। राइट नाउ आई एम यू नो सर्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि अच्छे हों, उनका ही रिव्यू मैं अपने चैनल पर डाल रही हूँ, तो मैंने उसका रिव्यू नहीं किया था। फिर क्या हुआ कि अब मैंने सोचा कि चलो ये दोनों मंगाए जाए, बट नायका पे तो आउट ऑफ स्टॉक थे, सो आई थॉट चलो ठीक है, मैं सेफोरा जो है मतलब इसका जो ऑनलाइन वेबसाइट है मैंने उससे परचेज किया। इनका आई थिंक चेन्नई में वेयर हाउस है और वहां पे शायद इनका शोरूम भी है, आई थिंक पुणे में भी शोरूम, आई एम नॉट श्योर, बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप शोरूम जा नहीं सकते तो आप ऑनलाइन ही परचेज करोगे, और उनका ऑनलाइन डिलीवरी इवन महाराष्ट्र में भी हो रही है। तो मैंने इसको फिर परचेज किया था, अभी भी हो रही है, और मैंने जब परचेज किया था तब तो सब कुछ इजी था एट दैट टाइम। तो अभी भी अगर आप मंगाना चाहते हो तो आई विल जस्ट मेंशन द वेबसाइट ऑफ सेफोरा, आप उससे मंगा सकते हो, और काफी अच्छे ऑफर्स भी उसमें मिल जाते हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत सेफ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप कैश ऑन डिलीवरी भी करवा सकते हो, ऑनलाइन डिलीवरी भी करा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो चलो अब ठीक है, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पैकेजिंग के बारे में बात करूंगी, बहुत जल्दी बात करूंगी क्योंकि कोई सेंस नहीं है पैकेजिंग के बारे में ज्यादा बात करने का। तो ये ऐसी पैकेजिंग में आता है, इट्स बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, और ठीक है, नो इट्स ओके, नॉट कुछ मतलब ऐसे अलग सा नहीं है, इट्स फाइन। और क्या कहते हैं, दोनों का ही सेम पैकेजिंग है, और दोनों का क्वांटिटी अगर मैं बताऊं तो बोथ आर 60 ml। अब मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो येस, इट इज ऑन हायर एंड। अगर आप लिप टिंट्स और चीक टिंट्स की बात कर रहे हो, मार्केट में ऐसे कुछ लिप टिंट्स और चीक टिंट्स अवेलेबल हैं जो इससे कम कॉस्टली है, और टू सम एक्सटेंट इसके जितने इफेक्टिव है, नॉट दैट मच बट है, ठीक है। तो इसका प्राइस है आई थिंक इट्स 1720, सो इट्स वन मॉडल फॉर 1720, तो ये काफी हायर एंड प्राइस है। तो एक मुझे इसका जो ड्रॉबैक लगता है वो यही लगता है, बट बेनिफिट के प्रोडक्ट्स एनीवेज थोड़े हायर एंड प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप परचेज करने का सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा 4-5 हजार का बजट बनाना पड़ेगा इफ यू वांट टू परचेज 2-3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम बेनिफिट, तो ठीक है, दैट्स ओके। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर इसका यू नो एनीवेज अगर कॉस्ट है, अगर वर्दी है, तो दैट्स ओके। अब अगर हम बात करते हैं इसकी इंटीरियर पैकेजिंग की, तो ये दो ऐसे बॉटल्स में आता है, दिस इज अ वेरी क्यूट पैकेजिंग, नाइस रेड एंड व्हाइट, एंड दिस आई थिंक जो इनका कलर्स होते हैं उस हिसाब से थोड़ा ये पैकेजिंग को रखते हैं। जैसे कि ये लव टिंट है, दिस इज लाइक ऑन फेरी, लाइक जो शेड है वो रेड के तरफ है, इसलिए इसकी बॉटल जो है रेड कलर की है। दिस इज गोगो टिंट, ये थोड़ा पिंक के साइड में इसका शेड है, इसलिए इसका बॉटल पिंक कलर का है, तो बॉटल काफी अच्छी है। अब मैं आपको अगर इसके ब्रश के बारे में दिखाना चाहूं तो वो कुछ ऐसा है, इट्स लाइक दिस, अगर आप देख सको तो इट्स इजी, ये ब्रश बहुत अच्छा है, इजी एप्लीकेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक मतलब पैकेजिंग इन सब के हिसाब से इट्स गुड। अब हम जरा बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के टेक्सचर के बारे में कि इसका टेक्सचर कैसा है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो आई विल जस्ट शो यू, देखो इफ यू कैन सी, हाँ इसका ऐसा टेक्सचर है,
काफी वॉटरी टेक्सचर होता है इसका बेसिकली. ये लिपस्टिक जैसा नहीं होता, इट्स जस्ट अ लिप टिंट. तो इसका टेक्सचर बहुत लाइट होता है लिप्स पे, बहुत ज्यादा लाइट. मतलब आपको लगाने के बाद फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है अपने लिप्स पे. तो ये काफी अच्छी चीज है. आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना है सूखने के लिए. दिस इज द रेड कलर एंड नाउ आई विल शो यू द गोगो टिंट. उसका कलर भी दिखा देती हूँ. सो इट्स लाइक दिस. थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम देते हैं, उसके बाद इसका कलर अब हमको समझ में आएगा. सो अभी आप देख पा रहे होगे, दिस इज ऑन पिंक साइड, दिस इज ऑन रेड साइड, करेक्ट. तो कलर वाइज तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि और मुझे लगा कि ये दोनों शेड होने ही चाहिए आपके पास. क्योंकि यार ऐसा होता है कि आप इसको ना ब्रंच और इवन एट लंच ऐसे स्मॉल जो पार्टीज होती है वहां पे कैरी कर सकते हो. और अगर वो आप कोई ऐसी टाइप की लड़की हो जैसे लिपस्टिक्स लगाना पसंद नहीं है, तो फॉर श्योर यू कैन गो विद दिस. इनका जो टेक्सचर है बहुत लाइट है, और ये जो है वो आप चीक्स पे भी लगा सकते हो, लिप्स पे भी लगा सकते हो. स्टार्ट विथ दिस लव टिंट. ओके, सो नाउ मैं क्या करूंगी कि जस्ट आई विल you can see. ये सिर्फ एक कोट है और एक कोटिंग में काफी अच्छा कलर उठ के आया है. इफ यू वॉन्ट कि आपको बहुत मतलब लास्टिंग चाहिए ये, तो आपको क्या करना होगा कि इसका एक दो कोट लगाना होगा. क्योंकि एक कोट जब आप लगाते हो तो इसका मतलब उतना लास्टिंग नहीं रहेगा. एक कोट के हिसाब से इसका काफी अच्छा लुक आया है. इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक इट डार्क. और अगर आप चाहते हो तो आप यू नो टिंट को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक यू जस्ट पुट फ्यू ड्रॉप्स. तो इससे क्या होगा ना, ऐसे अप्लाई करने से जो एक्स्ट्राज होते हैं वो निकल जाते हैं. यू विल जस्ट यू नो गिव वेरी नेचुरल लुक्स टू योर लिप्स. तो आप इस तरीके से कर सकते हो. ओके, या सो इट्स लाइक दिस. ये है लव टिंट. अब हम जाते हैं गोगो टिंट की तरफ. ओके, सो द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू ट्राई इज दिस गोगो टिंट. एनीवेज ये थोड़ा पिंक की तरफ शेड है. तो This is flawless natural pink look if you want. तो मुझे तो मतलब गोगो टिंट बहुत पसंद आया था, बिकॉज आई ऑल्सो यूज दिस इन चीक्स फॉर क्रिएटिंग दैट ब्लश लुक. तो ये मुझे ज्यादा पसंद आया एनी वेज. बट देखो लव टिंट का एक अपना बेनिफिट है, इट हैज रेड कलर. तो कभी आप ऐसा कुछ वेयर करते हो जो कि बहुत सटल है, लाइक आपको रेड के साथ जाना है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. बट इन टोटल इस प्रोडक्ट के बारे में जो मैं बोलना चाहूंगी वो यही है कि दोनों प्रोडक्ट वर्थ है इनके प्राइस के, डेफिनेटली वर्थ है. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरी वेरी बोल्ड लुक, तो आपको इसके दो तीन कोट्स लेने होंगे. इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरी सटल सिंपल नेचुरल लुक, तो आप इसका एक कोट लगा के भी एक कोटिंग में ही आपको वो सटल लुक मिल जाएगा, एज यू कैन सी नाउ. नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द चाचा टिंट. मैंने वो प्रोडक्ट क्यों परचेज नहीं किया, एंड मे बी आई एम प्लानिंग टू परचेज इन नियर फ्यूचर, बट आई हैव अ व्हीटिश स्किन टोन. ओके, तो जो उसका चाचा टिंट है वो बेसिकली फॉर व्हीटिश स्किन टोन उतना उठ के नहीं आता है, बिकॉज इट हैज ऑरेंज पीची शेड. तो आई थिंक इफ यू हैव दैट ऑरेंज, लाइक इफ यू आर अ फेयरर स्किन, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एनी ऑफ दिस. If you have an Indian skin tone, you can definitely go on these two. These will look fab on you. और मतलब
इट्स माई पर्सनल सजेशन, नथिंग लाइक दैट. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे वीडियोज मिस ना करो. एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय.